Good afternoon, children. In previous video, we have already done sums number 9. Now, we will do sums number 10 from exercise 6.3. Now, let's start. क्या बोला है देखो 500 किलोग्राम मसाले में 55% या परसेंटेज रे 33% सीमेंट तथा शेष चूना है. मसाले में कितना चूना है निकालना है. सेम जो देखो हम लोग 9 नंबर सम्स में भी देखो 35% पुरुष दिया हुआ था, 40% महिला दिया हुआ था. हम लोग क्या किए थे, प्रतिशत मीन्स क्या, 100 में क्या किए थे, जो पुरुष और महिला है दोनों को प्लस करके माइनस कर दिए थे, तो हम लोग का बच्चों का प्रतिशत आ गया था. सेम प्रोसेस इसमें भी अप्लाई करेंगे. क्या रेत दिया हुआ है, सीमेंट का दिया हुआ, चूना प्रतिशत नहीं दिया हुआ. हम लोग क्या कर लेंगे, दोनों रेत और सीमेंट दोनों को ऐड करके प्रतिशत मीन्स 100 में क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे. करने से क्या हो जाएगा, चूना निकल जाएगा, चूना का प्रतिशत निकल जाएगा. निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, टोटल जो मसाला है उसमें से कैलकुलेशन करके डायरेक्ट निकाल देंगे. इसमें हम लोग का एटीपी में जाने का कोई मतलब ही नहीं होता है. अब हम लोग करेंगे कैसे कैलकुलेशन, वो हम लोग देखते हैं. देखो क्या करेंगे, पहले हम लोग करेंगे कुल मसाले हैं कितना, 500 किलोग्राम. ठीक है, आप बोला है रेट, रेट कितना है 55%. सीमेंट, सीमेंट कितना बोला है, सीमेंट 33%. चूना नहीं बोला है, चूना हम लोग निकालेंगे. चूना क्या करेंगे निकालने के लिए, सेम प्रोसेस 100 में से दोनों को प्लस करके माइनस कर देंगे. माने 55 प्लस 33, 100 माइनस कितना हुआ 88% इसको माइनस किए तो हम लोग कितना आया, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 8 गया 1. कितना प्रतिशत चुना दिया हुआ था, 12%. अब हम लोग को डायरेक्ट कैलकुलेशन करना है. कैसे, मसाले में चूना है या चूने का चूने का भाग कितना, देखो 500 किलोग्राम केजी का 12%. क्या करेंगे, 500 का मीन्स मल्टीप्लाई 12 by 100, ये जीरो ये जीरो कट गया, 12 5 60. तो हम लोग का कितना चूना कितना आया, 60 किलोग्राम. ओके, बस इसमें और कुछ है ही नहीं. तुम लोग थोड़ा ध्यान से नोट करो बच्चों, ठीक है.